एक फिल्म आज ट्रेलर रिलीज किया गया, मेरा भारत महान। इसमें सांसद जी भी नजर आ रहे हैं, रवि किशन जी, दो बड़े से स्टार। हालांकि रवि किशन जी अब इंडस्ट्री को लगभग आउट कर चुके हैं, अब वो सांसदी में ज्यादा बिजी हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कंटिन्यू फिल्म करने रहना कितना भोजपुरी इंडस्ट्री को फायदा कराने वाले है, मतलब आगे होने वाला है, क्या लगता है इसको? अभी तो एक वेब सीरीज मैंने रवि भैया की देखी थी, जो हमारे सांसद महोदय हमारे बड़े भाई हैं, उनकी एक वेब सीरीज देखी थी, तो मैंने सामने से बोला था कि भैया उसमें एसपी का किरदार उन्होंने किया था, एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुआ था। तो मतलब अगर भोजपुरी में एक स्थान आता है बेस्ट एक्टर का, जो वाकई कहीं भी खड़े होते हैं तो लगता है कि नहीं भोजपुरी का आन बान शान खड़ा है, तो रवि भैया में बात है। और उन्होंने आज मेरा भारत महान में अपनी मुख्य भूमिका निभाई है, जिसके डायरेक्टर देवेंद्र बाबा हैं और पवन भैया और रवि भैया हैं। लोग तो ट्रेलर देखेंगे आपको खुद पर खुद लगेगा कि नहीं दो शेर दहाड़ रहे हैं, और बहुत अच्छा ट्रेलर लगा। उसमें एक दो डायलॉग है कि बाबू ये यूपी है, कभी भी गाड़ी पलट सकती है तो वो लाइन बहुत अच्छा लगा। और पुलिस इंस्पेक्टर एकदम दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के कुछ नया लुक में नज़र आ रहे हैं, तो अच्छी बात है कि एक सांसद बन के समाज की सेवा करने के साथ साथ दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। मतलब हमको लगता है कि उनके पास थोड़ा बहुत भी टाइम नहीं बचता होगा, सारा कुछ उन्होंने अपने दर्शकों के प्रति निछावर कर दिया, अपनी ज़िंदगी उन्होंने अपने समाज के प्रति, अपने दर्शक के प्रति निछावर कर दिया है। आप कब दिखने वाले हैं रवि किशन जी के साथ, क्योंकि वो चुनिंदा फिल्में कर रहे हैं, उन चुनिंदा फिल्मों में कल्लू जी की जोड़ी कब दिखने वाले, या फिर पवन जी के साथ कब कनेक्शन आने वाला है? हाँ, पवन भैया के साथ तो कुछ मैं नहीं बोल सकता, बोल भी सकता हूँ नहीं भी बोल सकता हूँ, लेकिन वो सरप्राइज है। रवि भैया के साथ मेरा एक कसम तिरंगा के फिल्म आ रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे राकेश मिश्रा जी हैं, समर सिंह जी हैं, मैं हूँ, साहिल भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं जिसमें रवि भैया के साथ हम सारे आर्टिस्ट आ रहे हैं। और उनके साथ भी काम करने का एक अलग ही मज़ा था, मतलब सेट पे एकदम मस्ती मजाक का माहौल बना के रखते थे। एक होता ना कि इतने बड़े सीनियर एक्टर हैं तो थोड़ा सा हम लोग को डर भी लग रहा था कि अरे यार कुछ बोल दें, होता है हम लोग नए हैं कुछ बोल दें कुछ बुरा लग जाए, लेकिन इतना वो कंफर्ट फील कराते थे, एकदम छोटे भाइयों की तरह वो हम लोग को सिखाते भी थे और काम भी कराते थे। तो कसम तिरंगा के जल्दी आएगा आप लोग, जल्दी आएगा। 2022 शुरू हो चुका है, सिनेमाघर खुल चुके हैं, आपकी कौन कौन सी फिल्में दस्तक देने वाली है इस लॉकडाउन, मतलब होली पर कुछ आने वाले या होली के बाद कोई कुछ फिल्में आने वाली है? सिनेमा तो बहुत सारे हैं, धीरे धीरे करके रिलीज भी हो रहे हैं, और अभी आप सबके बीच आएगा कल्लू की दुल्हनिया, आन बान शान, इसके बाद अपना टेढ़ी मेढ़ी प्रेम कहानी, बहुत सा वजूद है, रेश फिल्म है, तो बहुत सारी फिल्में हैं। और एक हमारे क्या बोलते हैं 14 तारीख को कल्लू कृष्णन कैप्टन वॉच हिट्स पे फुल फिल्म रिलीज किया जाएगा, और अभी मलंग रिशु भोजपुरी पे और कैप्टन वॉच हिट्स पे फुल मूवी रिलीज किया गया है, ताकि दर्शक लोग काफ़ी प्यार दे रहे हैं, क्योंकि फिल्में हम लोग करते हैं और एल्बम करते हैं, स्टेज शो करते हैं, तो उसमें बहुत सारे अपडेट होते हैं जो हम लोग नहीं बता पाते हैं व्यस्तता के कारण, तो आपके माध्यम से सभी लोग को बताते हैं कि मलंग जो हमारी फिल्म है वो यूट्यूब पे आ चुकी है और टीवी पे भी आप सबके बीच आ रही है। और रही बात आगे आने वाली फिल्में, तो धीरे धीरे करके एक एक आएगी आप सबके बीच, और उम्मीद है कि आपकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूँगा।